नमस्कार दोस्तों, मैं आज स्वागत करता हूं आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं आपके लिए हिमाचल पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जो है वो हिमाचल के खेल पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो हिमाचल में जो सबसे पहले जो मेन प्रश्न जो पूछे जाते हैं खेलों से संबंधित, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है परशुराम पुरस्कार। तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो परशुराम पुरस्कार है। इस पुरस्कार में जो है वो हमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, परशुराम की एक प्रतिमा दी जाती है और साथ में नगद पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल पुलिस या हमारे अलाइड सर्विसेज में के लिए कि हिमाचल का जो है वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वो है परशुराम पुरस्कार। दूसरा आ जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार हिमाचल में जो है वो बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो प्राप्त कर चुके हैं। सुमन रावत जिन्होंने 1987 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो है राम शेखर जंग जिन्हें निशानेबाजी के लिए जो है, और गीता गोसाई जो है वो हॉकी में जो है पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। और ऊना के चरणजीत सिंह को 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो इनको भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। विजय कुमार को 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से दीपक ठाकुर जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार अब तक मिल चुका है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो उसमें हमीरपुर के बड़सर जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है के उपमंडल के हसोर गांव में जन्मे हैं ये विजय कुमार। तो इनको भारतीय यानी कि भारत का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है और ये एकमात्र हिमाचली हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार जो है वो सन 2012 में प्राप्त हुआ था इन्हें, और इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक 2012 में 12 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता था। ये ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है पदक जीतने वाले एकमात्र हिमाचली है। दूसरा सबसे बड़ा है महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले तथा खेल विभाग का गठन भी हुआ है जो कि 1982 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है अलाइड और एचएस लेवल के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एक और है महत्वपूर्ण जो खेल है वो हिमाचल के बीड बिलिंग में खेला जाता है जो कि है पैराग्लाइडिंग का। तो वैसे हैंग ग्लाइडिंग होती है यहाँ पर, हैंग ग्लाइडिंग बीड बिलिंग जो है वो बैजनाथ के साथ 15 मीटर किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग करवाई जाती है जो कि वर्ल्ड कप भी यहीं पे होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पैराग्लाइडिंग जो है वो कहाँ पर होती है। इसी प्रकार से एक और है गोल्फ कोर्स, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि शिमला के नालदेहरा यानी कि शिमला जो हिमाचल की राजधानी है, और चंबा के खजियार में और सोलन के चैल में गोल्फ कोर्स है। तो हिमाचल में टोटल गोल्फ कोर्स कितने हुए, टोटल हुए तीन। तो तीन गोल्फ कोर्स हुए, एक शिमला का नालदेहरा, चंबा का खजियार और तीसरा सोलन का चैल। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से रोलर स्केटिंग स्कीइंग जो है वो शिमला मनाली और डलहौजी में होती है, और इसका जो बहुत ही लुत्फ उठाते हैं जो भी पर्यटक हमारे हिमाचल में घूमने आते हैं। कुफरी नारकंडा सोलंग नाला में भी स्कीइंग की जाती है, तो आप इसको भी अपने माइंड में रखें। इसी प्रकार से जो है हमारा अगला आ जाता है क्रिकेट। तो क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट जो पीक पर जो हमारी पिच है वो चैल सोलन में स्थित है, और ये समुद्र तल से 24
2445 किलोमीटर की दूरी मतलब ऊंचाई पर जो है समुद्र तल से है। और ये मैदान जो है सर 1994 में बनाया गया था और हिमाचल की क्रिकेट टीम ने 1985 की रणजी ट्रॉफी का मैच जो है वो भाग भी लिया और राजीव नैयर को पशुराम पुरस्कार भी मिल चुका है जो कि ये चंबा जिले से जुड़े हैं। तो जितने भी चंबा जिले से जुड़े हैं जरूर कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने व्यक्ति जो है वो चंबा से जुड़े हैं। इसी प्रकार से फुटबॉल देश का प्रथम यानी कि भारत का प्रथम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है डुरंड कप 1888 में शिमला के नालेड मैदान में जो है वो खेला गया था और ये प्रतियोगिता जो है एशिया की सबसे प्राचीन विश्व की दूसरी पुरानी प्रतियोगिता है जो कि सर डुरंड मॉरियर ने जो है वो शुरू की थी। और ये प्रतियोगिता जो है सन 1940 तक शिमला में आयोजित की जाती थी। भूपेंद्र रावत ने सन 1968-69 से मैं फुटबॉल में जो है प्रतिनिधित्व भारतीय टीम का भी किया है तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से हॉकी प्रदेश के दो हॉकी टीम खिलाड़ी जो हैं जो जिन्होंने भारतीय टीम में जो है कप्तानी की थी और अर्जुन पुरस्कार जो है वो जीता है नाम है चौधरी चरणजीत सिंह और सीता गोसाई। तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हिमाचल जो थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप याद रखें जी चौधरी चरणजीत और गीता गोसाई जो है वो हॉकी से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से विद्या स्टॉक दो बार भारतीय महिला हॉकी संघ की जो है जो अध्यक्ष रह चुकी है। शिमला के शिलारू में एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है जिसका निर्माण जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से निशानेबाजी पर चलते हैं तो सिरमौर के शमशेर जंग ने 2002 में मैनचेस्टर राजमंडल खेलों में 3 स्वर्ण, सन 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने ये पदक पिस्टल शूटिंग में प्राप्त किए। मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की डेविड डिंसन ट्रॉफी प्रदान की गई। हमीरपुर के विजय कुमार ने दिल्ली 2010 और ग्लासगो 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है वो स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसी प्रकार से सन 2012 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो विजय कुमार को पद्मश्री भी मिला हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल के किस खिलाड़ी को जो है वो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो विजय कुमार आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों भारोत्तोलन की बात करते हैं तो हिमाचल के विकास ठाकुर जो है वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए जो है सन 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और सन 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में तो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जो है वो जीता था। तो आपको गर्व होना चाहिए हिमाचली होने पर और इन हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए। तो एक लाइक बनता है दोस्तों तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की रोचक और जानकारी हिमाचल से जुड़ी हुई लेने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार।